एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर सुनीता गुप्ता, हम हेल्थ एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और जो आज का टॉपिक है इस रिलेटेड टू चिकन पॉक्स के जो मार्क्स रह जाते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है, उनको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो जो चिकन पॉक्स होता है ना, बेसिकली उसके जब वो हो जाते हैं फुली फ्लजेड निकल जाए, उसके बाद जो मार्क्स रह जाते हैं लास्ट में, उसके लिए अगर आपने मेडिसिन लिया है, होम्योपैथिक लिया है, कन्वेंशनल लिया है, जो भी लिया है, उसके बाद में जो मार्क्स रह जाएंगे उसके लिए आपको कोई भी एंटी मार्क्स क्रीम लगानी है। होम्योपैथी में एंटी मार्क्स क्रीम अवेलेबल होती है, मैं भार्गव की रिकमेंड करती हूँ एंटी मार्क्स क्रीम, वो बहुत अच्छी है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दिन में दो बार लगाना होता है, एक बार अगर आप घर में रहते हो तो मॉर्निंग में, और रात को लगाना होता है सोने से पहले, और मॉर्निंग में लगाना होता है उसको अच्छे से रगड़ के, यू नो, अंदर स्किन के अंदर चला जाए, बेसिकली ऐसे लगाना होता है, ठीक है। और अगर आप काम करते हैं तो मॉर्निंग में मत लगाना, सिर्फ रात को लगाना सोने से पहले अच्छे से, ताकि वो अच्छे से अंदर चला जाए और रात भर में हीलिंग हो जाए। हीलिंग प्रोसेस चलता है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो आपके जो भी साइन है, जो भी साइन दिख रहा है बाहर, जो मार्क्स दिख रहे हैं, दैट विल रिजॉल्व सून, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे अगर आप एंटी मार्क्स क्रीम लगाते हो रोज़ाना। लेकिन ये लगाना आपको डेली बेसिस पे रोज़ लगाना है, 3 से 4 महीने ये लेगा आपके। लेकिन अगर आप इसको करते हो रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आप देखोगे वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएंगे और धीरे धीरे करके वो चले जाएंगे, ठीक है। और एक दिन लगाया, दूसरे दिन नहीं लगाया, तीसरे दिन लगाया, चौथे दिन लगाया, मतलब ऐसे करके अगर आप बीच बीच में लगाते हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं पहले बताती हूँ, आपको लग के कॉन्टीन्यूटी में लगाना है और फॉर श्योर आपके एक्ने के मार्क्स चले जाएंगे, वो बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, मार्क्स चले जाएंगे अगर वो चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं। अगर वो किसी और तरीके के मार्क्स हैं तो आप एक बार अपनी एक्सपर्टीज जो भी डॉक्टर उनको दिखा लेना, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये चिकन पॉक्स के मीजल्स के ही मीजल्स के मार्क्स हैं या चिकन पॉक्स के मार्क्स ही है ना, किसी और चीज़ के मार्क्स तो नहीं है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेना कंसल्टेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद आप इसको लगा सकते हो ओनली फॉर चिकन पॉक्स। ओके, आई होप गिविंग एनफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।